अभी फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से मजदूरों की आवाजाही ठप हो गई है। ऐसे में सवाल है कि खेती के काम के लिए मजदूर कहां से आएंगे। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में इस सीजन में दूसरे राज्यों से जो मजदूर आते थे, क्या उन्हें आने जाने की छूट होगी। इसके अलावा चुनौती फसलों को बेचने की भी है। पंजाब में 130 लाख टन, हरियाणा में 93 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 37 लाख टन और मध्य प्रदेश में 68 लाख टन गेहूं पैदा होने का अनुमान है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस दौरान मंडियों में खरीद होगी या नहीं, सरकारी खरीद केंद्र चालू होंगे या नहीं होंगे। अगर मंडियां चालू होंगी तो अपनी उपज लाने वाले किसानों को तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के साथ सुपरमार्केट्स चल सकते हैं तो अनाज मंडियां क्यों नहीं। और इस सब पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता राम इनानिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ किसान नेता राम इनानिया जी मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इनानिया जी, ये बताइए कि कोरोना के संकट के समय में अब मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर गेहूं की कटाई हो रही है, ऐसे में जो किसान हैं उनके मन में किस तरह के प्रश्न हैं, किस तरह की आशंकाएं, और MSP को लेकर, धान अपने गेहूं की खरीदी को लेकर उनके मन में क्या चिंताएं हैं। जी मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है वो उसको मिनी पंजाब कहा जाता है गेहूं के मामले में, और इस वक्त मध्य प्रदेश के अधिकांश किसानों की फसल जो पककर तैयार और कटकर खलियान में आ चुकी है, और किसानों को अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचनी है, पर कोरोना वायरस के चलते अभी तक खरीदी चालू नहीं हुई है, क्योंकि किसानों को हार्वेस्टर चले हार्वेस्टर का पैसा देना है, लेबर का पेमेंट करना है, तमाम प्रकार का पेमेंट किसानों को देना है, पर कंडीशन ये कि किसान अपनी फसल बेचे तो बेचे कहाँ, ना मंडी चल रही है ना MSP पर खरीदी हो रही है। जी, एक एक करके बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो फसल कटाई की मशीनें हैं या लेबर है, क्या उनकी आवाजाही पर कोई रोक लगा दी है कोरोना के चक्कर में, या जैसे आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में या कई इलाकों में गेहूं की कटाई हो रही है, ऐसे में अब मशीनें, उनकी आवाजाही, लेबर की आवाजाही, इसकी स्थिति क्या है। मैम देखो, मशीन या स्ट्रा रीपर या कंबाइन की अपन बात करें तो कंबाइन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तो आदेश जारी किया है कि 5 स्टाफ के साथ मशीनें कहीं भी जा सकती है किसान के खेत में और काट सकती है। पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी गांव से खेत की दूरी 30 से 40 किलोमीटर दूर है, और जहां चने की फसल लगी या दूसरी फसल लगी जो कि लेबर से कटनी है, वहां पर लेबर जाने में जरूर किसान को तकलीफ आ रही है। किस कंडीशन में तकलीफ आ रही है कि भाई जैसे गांव से 20 शहर क्रॉस होते हुए अगर खेत में जाना है तो वहां पर जरूर प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू टाइप का माहौल है, तो प्रशासन 4 से ज्यादा लोगों को क्रॉस नहीं होने दे रहा है, वो एक समस्या जरूर किसानों के साथ आ रही है। बाकी कंबाइन स्टार रिपर को बकायदा निकलने दिया जा रहा है। अब ऐसे में तो सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश भी बनी हुई है, दिशा निर्देश हैं कि सप्लाई चेन बिल्कुल अवरुद्ध ना हो, जब शहरों में सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे तो ऐसे में क्या जो सप्लाई चेन है, जो खेत से सामान आना है मंडी तक या फिर सुपर स्टोर्स तक, वो जो सप्लाई चेन है वो किस तरह से दुरुस्त होगी, उस पर जरा बताएं। मैम देखिए, जो जो किसान बागवानी खेती करते हैं, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, सब्जी की खेती कर रहे हैं, उसकी नीलामी है, मंडी में नीलामी होती है, पर वो नीलामी अभी बंद है। और कुछ जगह ऐसा भी है जो किसान बड़े स्केल पर कर रहे हैं, तो उन लोगों की सब्जी जो जिले से बाहर जा रही है, ऐसे भी किसान है हमारे यहाँ पर, कुछ किसान जो बड़े बड़े लेवल पर कर रहे हैं टमाटर मिर्ची अनेक प्रकार की खेती, तो उनकी बकायदा गाड़ी दूसरे जिले में जा रही है, उस गाड़ी को नहीं रोका जा रहा है। पर जहाँ जिले में मंडी में जो नीलामी होती है वो नीलामी अभी पूर्ण रूप से बंद है, तो कहीं ना कहीं छोटे किसान जो है छोटे छोटे रूप में सब्जी भाजी की जो खेती करते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सब्जियां हो रही है। जी, तो आपने बोला सब्जी भाजी और यही सबसे, जी मैं आपको सुन सकती हूँ, जो सब्जी भाजी यानी जो जल्दी से खराब होने वाली जो सामान है उसको लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं, खासतौर से छोटे किसानों की, इसमें आप सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं।
मैडम सरकार से सिर्फ हमारा यही है कि एक सरकार जो है भाई गांव में जो किसान इस प्रकार की खेती कर रहे हैं या तो उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो शहर में किसी भी पार्टिकुलर जगह पर बैठकर अपना व्यापार कर सके, शहर के लोगों तक वो चीज पहुंचा सके, या सरकार की निगरानी में सरकार उनको नीलाम करवाए ताकि वो उसकी सब्जी खराब भी नहीं और आम लोगों तक वो सब्जी पहुंच पाए। तो ऐसे में आप देखते हैं कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है FPOs की, जो हम इतने सालों से उसका एक तंत्र विकसित करने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि FPOs इस समय एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं? जी बिल्कुल, FPO इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार अगर चाहे तो उपभोक्ता और किसान के बीच की जो कड़ी वो FPO के माध्यम से पूरी कर सकती है। सरकार को ये करना चाहिए FPO के माध्यम से कि भाई या तो गाँव में छोटे छोटे हाट बाजार लगवाए FPO के माध्यम से, ताकि उसमें सब्जी का छोटे छोटे मार्केट जो गाँव में लगते हाट बाजार वो क्रिएट हो सकते FPO के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया इनानिया जी इस जानकारी के लिए।